खबर हरियाणा में सोनीपत से सामने आ रही है, जहां नेशनल हाईवे 44 पर दिल्ली से पानीपत की तरफ जा रही एक कार में अचानक से आग लग गई। कार चालक ने कूदकर जान बचाई। कार में आग लगने की वजह से गर्मी के कारण इंजन में हुए शॉर्ट सर्किट को माना जा रहा है। हाईवे पर धू धू कर जल्दी कार की वजह से कुछ समय तक अन्य वाहन चालकों को भी रुकना पड़ा। मौके पर जब दमकल विभाग के फायर ब्रिगेड की गाड़ी को लेकर पहुंचे, तब तक कार जलकर खाक हो चुकी थी। मौके पर पहुंचे हाईवे अथॉरिटी के कर्मचारियों ने हाड़रा गाड़ी को मौके पर बुलाकर जली हुई कार को हाईवे से हटवाकर वाहनों के आवागमन को सुचारू रूप से शुरू करवाया। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।